हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इमित्रा सीएससी हेल्पलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपने नॉन एनएफएसए का आवेदन किया था उस के बारे में। दोस्तों, लगभग लोगों की लिस्ट आ चुकी है और वो लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं उसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउजर ओपन करोगे तो आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है जन सूचना। आपको सिर्फ जन सूचना ही टाइप करना है। जन सूचना टाइप करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको ये जो एक नंबर लिंक साइट दिखा रहा है जन सूचना पोर्टल, तो आपको इस पे ओके करना है। जैसे आप इस पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डेस्कटॉप पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार डेस्कटॉप पेज ओपन होने के बाद में आपको जो सबसे फर्स्ट में ऑप्शन दिखा रहा है कोविड-19, आपको इस ऑप्शन पे ओके करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक टैब ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का टैब ओपन होने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन आइकन दिखा रहा है, जिसमें पहले में लिखा हुआ कोविड-19 राष्ट्रीय अनुग्रह और दूसरे में लिखा हुआ कोविड अनुग्रह पात्रता और तीन नंबर जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है नॉन एनएफएसए राशन वितरण। तो डायरेक्ट सिंपली आपको फर्स्ट वाले दोनों को इग्नोर मारते हैं, तीसरे वाले पे ओके कर देना। जैसे आप तीसरे वाले पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डेस्कटॉप पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का डेस्कटॉप पेज ओपन होने के बाद में आप सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जिला सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने आदमी आपको पूछेगा आप कौन से क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से। अगर मान लो आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपको शहरी सेलेक्ट करना है। अगर मान लो ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करना है। अपने एरिया के हिसाब से आपको क्षेत्र सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपको आपकी जो भी नगर पालिका है वो सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आप अपनी नगर पालिका सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली आपका कैप्चर कोड डालना है। जो भी आपको स्क्रीन डिस्प्ले पे कैप्चर कोड दिखा रहा है वो यहाँ पे कैप्चर कोड डालना होगा। जैसे आप कैप्चर कोड डालोगे तो आपको बाद में कैप्चर कोड डाल के आपको खोजे बटन पे ओके करना है। जैसे आप खोजे पे ओके करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेके आपके सामने इस प्रकार से एक लिस्ट ले आएगा। लिस्ट आने के बाद में आप देख सकते हो इसमें देखो पूरे वार्ड के हिसाब से लिस्ट आ चुकी है और कितना गेहूँ आया है, उनको कितने बेनिफिट हुए हैं, मतलब कितने जनों को बेनिफिट हुआ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे अधिक जाने पे ओके करके देख सकते हैं कि किन किन को राशन आया, किन किन का नहीं है। जैसे मान लो मैं वार्ड नंबर 2 में देखता हूँ तो अधिक जानकारी पे ओके करता हूँ। जैसे अधिक जानकारी वाले ऑप्शन पे ओके करता हूँ तो मेरे पास में नीचे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसमें दिखा देगा कि किन किन का नाम आया, किन किन का नहीं आया। ये देखिए दोस्तों, इसमें दिखा रहा है जिन जिनका नाम आया है उन उनका नाम दिखा रहा है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जैसे मान लो उनका नाम दिखा रहा है, जैसे जो भामाशाह मुख्य था या फिर राशन कार्ड मुख्य था उनका नाम दिखा रहा है यहाँ पर। आगे आगे उनका पिता का नाम, उनको दाल आई है या फिर नहीं आई वो भी दिखा रहा है। दाल उनको 0 आई है और उनको गेहूँ कितनी आई है वो भी दिखा रहा है। 40 किलो, 50 किलो, 20 किलो, जिस प्रकार से उनको गेहूँ आई है वो यहाँ पर दिखा रहा है। दोस्तों आप इसी प्रकार से अपना ग्रामीण क्षेत्र का चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, अपना ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत में अपना ईमित्र चला रहे हैं तो आपको बार बार हर किसी को बता नहीं सकता है कि आप अपनी, जैसे मान लो जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है आप उस ग्राम पंचायत का सेलेक्ट करके और उसकी लिस्ट डाउनलोड करके बाहर चिपका दीजिए ताकि कोई भी आए तो वहाँ से आराम से देख सके कि उनका नाम लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया है। जैसे आप अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करके कैप्चर कोड डाल के सबमिट बटन पे खोजे बटन पे ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से गाँव की लिस्ट आ जाएगी। गांव की लिस्ट आने के बाद में आप उसमें देख सकते हैं कि किस कितने कौन से गांव में कितने जनों कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है, कितने को लाभ नहीं मिला है, तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं और लिस्ट बाहर चिपका सकते हैं ताकि कोई भी आए तो उसको अच्छी तरह से पता चलता रहे कि उनका नाम लिस्ट में आया है या फिर नहीं आया। अगर आया तो उनको कितना राशन मिलेगा, दाल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों इस प्रकार से दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे जो भी लिस्ट आएगी वो लिस्ट यहाँ पे आपको दिखा देगा। शहरी और ग्रामीण दोनों के देख सकते हो और आप लिस्ट बाहर लगा सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो जानकारी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि आप नॉन एनएफएसए आवेदन की लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे जरूरी बात बता दूँ कि कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ एक परिवार ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उनको राशन मिल रहा है। उसका जैसे मान लो किसी के पास में मैसेज तो आया है लेकिन इस लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो वो घबराए नहीं, उनको राशन मिलेगा और वो तुरंत राशन वाले डिपो पे जाके और अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों शहरी क्षेत्र में इसके लिए लग गवर्नमेंट ने ज़्यादा जैसे मान लो राशन डिपो वालों को ऑथोराइज नहीं किया है। जैसे मान लो कोई शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा है तो कोई छोटा शहर है तो उसमें लगभग 3 या 4 डिपो वालों को ऑथोराइज किया है। कोई बड़ा शहर है, मानो सिटी है, नगर निगम है तो वहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पे राशन वाले को सिलेक्ट किया है। उस राशन वाले पे 2 सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, एक ही मित्र वाले की ड्यूटी लगाई है ताकि कोई भी करेक्शन करना हो तो वो तुरंत करेक्शन कर सके। तो दोस्तों आपको अपनी जैसे मान लो जो भी आपका DOIT ऑफिस है वहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से
जैसे मान लो राशन डिपो वाले हैं जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी है, ई मित्र वाले की ड्यूटी लगी है, तो वो आप वहाँ से पता करके, और ई मित्र जैसे मान लो राशन डिपो वाले के पास में जाके वहाँ से अपना गेहूँ ले सकते हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि नॉन एनएफएसए का आवेदन, जैसे मान लो आवेदन आपने किया है तो उस लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं आया है, और वो अगर मान लो राशन लेना चाहे तो राशन कहाँ से ले सकता है, किस प्रकार राशन ले सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।